Hey, what's up everyone? मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। सो सीधा पॉइंट पर आते हैं, ये जो वीडियो है ये हमारी 100 डे सीरीज का डे 42 वीडियो। जी हाँ, 41 वीडियोस हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। अगर आपने उनमें से एक भी वीडियो मिस किया हो, एक भी डे का वीडियो मिस किया हो, तो ऊपर आपको कॉर्नर पर एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देख सकते हैं डे 1 से लेके डे 41 तक, यानी 410 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और 410 सारे अलग सारे नए वर्ड्स उनके एग्जांपल सेंटेंस और हिंदी मीनिंग के साथ। तो ये जो वीडियो है वो है डे 42 वीडियो। जैसे मैंने बताया, इस वीडियो में मैंने जो 10 वर्ड कवर किए हैं वो काफ़ी नए, काफ़ी मॉडर्न वर्ड्स हैं और काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। आप जब उन वर्ड्स को सुनेंगे, आप उनकी हिंदी मीनिंग जानेंगे, तो आपको लगेगा कि मुझे मौका मिले बस इन वर्ड्स का कहीं ना कहीं पर यूज़ करने का, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। और आप जानते हैं कि आपको हर वर्ड के साथ दो एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और उन दो एग्जांपल के अलावा भी अगर आप उन वर्ड को लेकर और सेंटेंस क्रिएट करते हैं और एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं, तो ये आपके इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट लाएगा। सो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो आज के 10 वर्ड्स। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज डे 42 का फर्स्ट वर्ड है आज का ब्लॉन्ड, BLOND, ब्लॉन्ड, जिसका मतलब होता है सुनहरा या फिर भूरा, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके भूरे बाल हो। जैसे आपने देखा होगा फॉरेनर्स होते हैं, बिल्कुल थोड़े से व्हाइटिश गोल्डन बाल होते हैं, बहुत गोरे होते हैं, ब्लू आइज होती है, उस टाइप की पर्सनैलिटी वाले इंसान को हम ब्लॉन्ड कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा, शी ब्लीच्ड हेयर ब्लॉन्ड, जिसका मतलब है उसने अपने बालों को सुनहरा रंग दिया। ब्लीच करना आप जानते होंगे, कलर करना। शी ब्लीच्ड हेयर ब्लॉन्ड, उसने अपने बालों को सुनहरा या फिर भूरा गोल्डन टाइप का रंग किया, कलर किया। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर, अ ब्लॉन्ड मैन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, यानी मेरे पास या फिर मेरे बगल में एक गोरा आदमी खड़ा था। बेसिकली सिर्फ गोरा नहीं, जैसे कि पर्सनैलिटी वाला इंसान मैंने अभी बताया, गोरा ब्लू आईज वाला फॉरेनर टाइप का, उस तरीके के इंसान की यहाँ पर बात की जा रही है। अ ब्लॉन्ड मैन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। नेक्स्ट वर्ड है आज का फैंटेसी, FANTASY, फैंटेसी, जिसका मतलब होता है ख्वाब या फिर कल्पना, यानी आपकी बिल्कुल इमेजिनेशन में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी ऐसी इच्छा जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं हो, आप किसी भी हद तक सोच सकते हैं, जैसे कि घर की खेती हो, फैंटेसी उसे हम कहते हैं। पहला एग्जांपल है इसका, स्टॉप लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, यानी एक काल्पनिक दुनिया में रहना बंद करो, कोई ऐसी दुनिया जिसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, वैसी दुनिया में जीना बंद करो। जो लोग कुछ भी नहीं होते, कुछ भी सोचते रहते हैं, बिल्कुल जैसे कि मैं चांद पर खड़ा हूँ, इस टाइप का। सेकेंड एग्जाम्पल है, समटाइम्स रियलिटी एंड फैंटेसी आर हार्ड टू डिस्टिंग्विश, यानी कभी कभी वास्तविकता और कल्पना में भेद करना कठिन होता है, यानी रियलिटी और कल्पना, जो इमेजिनेशन है, फैंटेसी है, उसमें डिफरेंस पता करना मुश्किल होता है, कभी कभी रियलिटी और फैंटेसी सेम लगने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का शॉर्टकमिंग, जिसका मतलब होता है कमजोरी, कमी या फिर त्रुटि। एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट बींग पंक्चुअल इज हिज ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग, यानी समय का पाबंद ना होना उसकी सबसे बड़ी कमी है, या फिर समय का पाबंद ना होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सेकेंड एग्जाम्पल है, बट देयर वॉज वन शॉर्टकमिंग, यानी लेकिन वहाँ पर एक कमी थी। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड से कोई इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अचानक से कि आपको एक कमी याद आ जाती है और आप उसे बोलते हैं लेकिन वहाँ पर एक कमी थी, बट देयर वॉज वन शॉर्टकमिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्रेट, यानी व्याख्या करना, अनुवाद करना या फिर समझाना। व्याख्या करना मतलब एक्सप्लेन करना किसी को, अनुवाद करना यानी ट्रांसलेट करना। इंटरप्रेट का दोनों के सेंस में यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, समझाने में, या फिर ट्रांसलेट करने के सेंस में भी हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस सेंटेंस, यानी तुम इस वाक्य को, इस सेंटेंस को या तो अनुवाद कैसे करोगे हम बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कैसे करोगे, या फिर एक्सप्लेन कैसे करोगे ऐसे भी हम बोल सकते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करोगे, हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स वर आस्ड टू इंटरप्रेट द पोयम, यानी छात्रों को कविता की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। जो स्टूडेंट्स थे उन लोग को एक उस पोयम को समझाने के लिए कहा गया था, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था।
नेक्स्ट वर्ड है आज का विल्डरनेस, WILDERNESS, विल्डरनेस, जिसका मतलब होता है उजड़ा हुआ, बीहड़, बंजर, या हम बोल सकते हैं जंगल जैसा। विल्डरनेस एक काफ़ी अच्छा साउंड होने वाला वर्ड है, काफ़ी मॉडर्न और अच्छा वर्ड है। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका, विदाउट अ फ्रेंड द लाइफ इज विल्डरनेस। Without a friend, the life is wilderness. यानी दोस्त के बिना जीवन बंजर है, बिल्कुल उजड़ा हुआ है। Without a friend, the life is wilderness. Second example है, the garden is turning into a wilderness. The garden is turning into a wilderness. यानी बगीचा जंगल में बदल रहा है। बगीचा बहुत खराब हो गया है, पेड़ वगैरह बहुत बड़े हो गए वहाँ के, तो वो जंगल में बदल रहा है। The garden is turning into a wilderness. नेक्स्ट वर्ड है आज का phenomenon, 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 जिसका मतलब होता है घटना या फिर कोई अद्भुत घटना या एक अद्भुत दृश्य को भी हम phenomenon कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अ रेनबो इज अ नेचुरल phenomenon, अ रेनबो इज अ नेचुरल phenomenon, यानी इंद्रधनुष जो रेनबो है वो एक प्राकृतिक घटना है, एक नेचुरल phenomenon है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन एक्लिप्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन एक्लिप्स ऑफ द मून इज अ रेयर phenomenon, एन एक्लिप्स ऑफ द मून इज अ रेयर phenomenon, यानी चंद्र ग्रहण या फिर चंद्रमा का ग्रहण एक दुर्लभ घटना है, बहुत खास है, एक रेयर घटना है। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्टिकी, STICKY, स्टिकी, जिसका मतलब होता है चिपचिपा या फिर चिपचिपाने वाला, कोई भी ऐसी चीज जो चिपचिपाती है उसे हम स्टिकी कहते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, इफ द डो इज स्टिकी एड मो फ्लो, If the dough is sticky, add more flow. यानी अगर आटा चिपचिपाता है तो उसमें और आटा डालो। डो यानी आटा का जो हम बनाने, आटा गूंदने के बाद जो बनता है उसे हम डो कहते हैं, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। If the dough is sticky, add more flow. अगर आटा चिपचिपाता है तो उसमें और आटा डालो। Next है, there is some sticky stuff in your hair. There is some sticky stuff in your hair. यानी तुम्हारे बालों में कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है, कुछ अजीब सा चिपचिपा स्टफ आपके तुम्हारे बालों में लगा हुआ है। There is some sticky stuff in your hair. Next word है stinky, 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 जिसका मतलब होता है बदबूदार, बेकार या फिर गंदा सा। Example, your socks are too stinky. Your socks are टू स्टिंकी, यानी आपके मोजे, तुम्हारे मोजों में से बहुत स्मेल आ रही है, वो बड़े बदबूदार है, तुम्हारे सॉक्स बहुत बदबूदार है। योर सॉक्स आर टू स्टिंकी। नेक्स्ट है, द फूड वॉज स्टिंकी एंड अनप्लीजेंट, द फूड वॉज स्टिंकी एंड अनप्लीजेंट, जिसका मतलब है खाना बहुत बदबूदार और अप्रिय था, बड़ा ही बेकार खाना था। द फूड वॉज स्टिंकी एंड अनप्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर, जिसका मतलब है निराशा या फिर हताशा। एग्जाम्पल, डिफीट आफ्टर डिफीट फिल्ड हिम विथ डिस्पेयर, डिफीट आफ्टर डिफीट फिल्ड हिम विथ डिस्पेयर, यानी हार के बाद हार ने उसे निराशा से भर दिया था, वो बार बार हारता ही जा रहा था, इसलिए वो बहुत निराश हो गया था, वो निराशा से भर गया था या हताशा से भर गया था। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, डिस्पेयर गिव्स करेज टू अ कावर्ड, डिस्पेयर गिव्स करेज टू अ कावर्ड, यानी निराशा एक कायर को साहस देती है। ओके, सो चलते हैं आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ, जो है डिटेरियोरेट, DETERIORATE, डिटेरियोरेट, जिसका मतलब है खराब होना, बिगड़ना या फिर क्षय होना। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग, हिज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग, यानी उसकी तबीयत बिगड़ रही है, हिज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी तबीयत खराब हो रही है या बिगड़ रही है, कुछ भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, देयर रिलेशनशिप स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट, their relationship started to deteriorate, यानी उनका रिश्ता, उनका रिलेशन जो है वो बिगड़ने लगा या खराब होने लगा। their relationship started to deteriorate. चलिए एक बार आज के सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ब्लॉन्ड, BLOND, ब्लॉन्ड, जिसका मतलब है सुनहरा या फिर भूरे बालों वाला आदमी, यानी कोई फॉरेनर जैसा इंसान। नेक्स्ट है फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब है ख्वाब या फिर कल्पना। फिर है shortcoming, shortcoming का मतलब है कमजोरी, कमी या फिर त्रुटि। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब है व्याख्या करना, अनुवाद करना, यानी किसी को कुछ एक्सप्लेन करना या समझाना। नेक्स्ट है विल्डरनेस, विल्डरनेस का मतलब है उजड़ा हुआ या फिर बीहड़ या जंगल जैसा। नेक्स्ट है phenomenon, phenomenon का मतलब है घटना या फिर अद्भुत घटना, या हम बोल सकते हैं कोई अद्भुत दृश्य।
नेक्स्ट है स्टिकी। स्टिकी का मतलब है चिपचिपा या फिर चिपचिपाने वाला, कोई ऐसी चीज जो चिपचिपाती हो। फिर है स्टिंकी। स्टिंकी का मतलब है बदबूदार, गंदा, घिना सा, बड़ा बेकार सा, उसे हम स्टिंकी कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब है निराशा या फिर हताशा। और लास्ट वर्ड है आज का डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब है खराब होना या फिर बिगड़ना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर। We'll be right back.